जय हिंद दोस्तों, आ जाओ। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर का आपका आ गया है, जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी हुआ है सेकंड शिफ्ट में 12 जुलाई को। अभी अभी तुरंत हम सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ 12 जुलाई 2021 को, इसमें आपका रागा और इंग्लिश और रागा दोनों इंक्लूड है। तो अभी हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि जितने भी आपके शिफ्ट के एग्ज़ाम होते जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे डिट्टो सेम मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आज के जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया। पहले जैसा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि ये देखिए, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट का, जो आप फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन जो हुए थे उसी से रिपीटेड अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड शिफ्ट इंग्लिश 12 जुलाई 2021। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन इंग्लिश का आया था द नंबर ऑफ पीपल। अब द नंबर ऑफ पीपल के बाद में वाज और वर्ब फिल करना था, तो आपको पता है कि द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आ नंबर ऑफ होता तो वहाँ पे नाउन और वर्ब हमारे क्या होते हैं, दोनों के दोनों हमारे प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ था तो यहाँ पे हमें वाज भरना पड़ेगा। अभी सुबह वाले शिफ्ट में डील के साथ प्रीपोजिशन आया था, तो डील के साथ में सेकंड शिफ्ट में भी आपका आ गया डील के साथ इन और डील के साथ भी दो प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन वहाँ पे लेदर गुड्स की बात की जा रही थी तो डील इन लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसे एक सिनोनिम आपका आया था मैंडेटरी। मैंडेटरी का सिनोनिम आया था, जो मैंडेटरी का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी, नेसेसरी भी होता है। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड आया था एडोरेबल। एडोरेबल का बताना था आपको वर्ब, एडोरेबल बी एल ई लगा है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया और इसका जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, एडोर होगा। ठीक है, एडोर होगा जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ऐसे एक इरर का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था इरर वाला, इरर वाला एक नॉट मेनी ट्रैफिक से करके इरर का कोई क्वेश्चन था, तो वहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मेनी नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, मच आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को पता है। ऐसे एक सिनोनिम आया था, क्या सिनोनिम था, एडिक्वेट। एडिक्वेट का सिनोनिम था जिसका मतलब होता है प्लेंटीफुल और सफिशियंट। वहाँ पे ऑप्शन में आपके प्लेंटीफुल था तो वहाँ पे आपको प्लेंटीफुल सही करना होगा। एक था डिबेट। डिबेट आपके एग्ज़ाम में आया था एंटोनिम डिबेट का। डिबेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा क्या होगा, पीस हो जाएगा, पीस मतलब शांति, हारमनी हो जाएगा, यूनिटी। ठीक है भाई, हारमनी। और एक होता है एग्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक स्पेलिंग से आया था, स्पेलिंग में आया गया था सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग थी तो वहाँ पे आपको सिगरेट की स्पेलिंग बताना था, जो CIGARETT सिगरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप में आया था अवेंडन। अवेंडन का सिनोनिम पूछा गया था, अवेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना, पर फॉर सेफ हो जाएगा। ठीक है, एक आया था टर्मेंडियस। टर्मेंडियस का एक सिनोनिम पूछा जाएगा, टर्मेंडियस का सिनोनिम था ह्यूज, महमूद। ठीक है, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा होना, तो उसको हम बोलते हैं टर्मेंडियस। ठीक है, एक आपका था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। तो सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज कर दोगे, फिर यहाँ पे आप दैट लगा दोगे और यू को आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज करके ही कर दोगे। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही शुड वर्क हार्ड, ये आपका ये सही हो जाएगा। आप में एक आया था, एक यहाँ पे ये दिया गया था एंटोनिम था प्रोवोक का, एंटोनिम था प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को भड़काना या उकसाना, तो उसका एंटोनिम क्या होता है, पैसिफाई या काम शांत करना, और सिनोनिम क्या होता है, इंसाइट होता है। ठीक है भाई, ऐसे ही एक इरर का क्वेश्चन नहीं, एक ये आपका ईडियम आया था। ईडियम आपका क्या था, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ये मैंने आप लोग को कई बार बताया है, दो मुसीबतों में फंसना। ठीक है, बिटवीन टू प्रॉब्लम, तो ये आया था आपका एक idiom। एक ये आया था इरर का क्वेश्चन डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड के साथ में आपको फिक्स प्रीपोजिशन लगाना था, डिसअपेयर्ड फॉर वहाँ पे दिया हुआ था और आपको डिसअपेयर्ड ऑफ करना था, तो डिसअपेयर्ड के बाद में क्या आता है, ऑफ आता है। एक आया था ये इरर का क्वेश्चन था, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट। जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन हु का यूज़ नहीं करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, WHICH। ये आप लोग को पता होगा, कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक इरर का क्वेश्चन एक था, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन था डाई के बाद में प्रीपोजिशन लगाना था और इंसान कैंसर से मर रहा था, तो जब इंसान बीमारी से मरता है तो डाई के साथ में ऑफ लगाते हैं। एक था स्टेटिक वर्ब से क्वेश्चन था, जो टेंस में होता है, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, तो इसमें हम ING लगाकर नहीं बनाते, ऐसे था WO
OWN ओन को हम ओनिंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये इरर से क्वेश्चन था, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे जो अभी के शिफ्ट में हुए, और बाकी आपके रागा के भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में हुए थे। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपका रागा का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। फ्रेंच ओपन विनर 2020 पूछा गया था, जो राफेल नडाल जी थे। मिड नाइट सन का किसे कहा जाता है, मिड नाइट सन नार्वे को कहा जाता है, ठीक है, नार्वे, ठीक है। फिर उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आया था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, WC बनर्जी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था, ICC की स्थापना कब हुई थी, ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक आया था, हु एजुकेट्स अशोका अबाउट बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में अशोका को किसने शिक्षा दी, तो निगोध बिच्छू ने शिक्षा दी थी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आए थे आज सेकेंड शिफ्ट में, अभी जो हुआ है, ठीक है, अभी जो हुआ ये आपके सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ गाइस सारे वीडियो को देखते जाओ, और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे डील के साथ में पहले शिफ्ट में आया था और यहाँ पे भी डील के साथ में आएगा। तो आप लोग सारे वीडियो को रिपीट करके बार बार देखते जाएं, और जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन को बताएं, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। अभी हम फिर मिलते हैं शाम को थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।